हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि बजिस्ट को एलोवेरा दे या ना दे। तो आज हम ये वाले टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो गाइस, फाइनली समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और फ्रेंड्स, हम ये गर्मी से रिलेटेड यानी वीडियो बनाने वाले हैं। और तो एक भाई की कमेंट आई थी कि बजिस्ट को एलोवेरा दे या ना दे, तो मैं वो भाई के लिए आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो भाइयों, यानी एलोवेरा एक बहुत यानी अच्छी चीज़ होती है जो हम यानी हमारे बजिस को भी यूज़ करवाते हैं एलोवेरा। कि एलोवेरा ठंडा होता है तो समर सीज़न में फ्रेंड्स, यानी एलोवेरा अपने बजिस को देना चाहिए। तो मैं आपको यानी वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ एलोवेरा के बेसिक यानी यूजेस। और गाइस, यानी आप जानते ही होंगे कि ये बहुत ठंडा मटेरियल है। जब इंसान भी खाता है तो इंसान की यानी स्किन भी अच्छी होती है। और ये ज़्यादातर के तो समर सीज़न में इनका यानी यूज़ होता है। और फ्रेंड्स, यानी उसी तरह ये अपने यानी बजीज है या फिर कॉकटेल है या लवबर्ड्स है, ये इनके ऊपर भी यानी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स एलोवेरा का। तो फ्रेंड्स, आप अगर एलोवेरा दे रहे हैं अपने बजीज को या फिर ये यानी खुद से खा रहे होंगे, तो आप ये मत सोचिए कि यानी गलत चीज़ है करके। आप दे रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है बजीज के लिए अभी समर सीज़न में। तो फ्रेंड्स, हम यानी उसी भाई के कहने पर आज हमारे यानी बजीज को हम एलोवेरा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अभी क्या करते हैं, हम एलोवेरा को काट लेते हैं और पानी में डाल देते हैं ताकि उसमें कि यानी जो भी चीज़ें होती है यानी वो पूरे पानी में मिल जाए। तो हम हमारे बजिस को देते फ्रेंड्स अभी देखते। और फ्रेंड्स, एलोवेरा से यानी अपने बजिस जब पानी भी पीते हैं तो उनके यानी पेट में भी थोड़ा ठंडा यानी बनती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अभी यानी एलोवेरा को काट के पानी में डालते अपने बजिस कॉलोनी को देते हैं एलोवेरा का पानी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बजीज कॉलोनी है छोटे बजीज के यानी। और ये बजीज यानी अभी ब्रीड भी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यानी हम एलोवेरा काट लेते हैं अभी और अपने बजीज को देते हैं। तो देखते हैं यानी बजीज की क्या रिएक्शन होती है एलोवेरा से। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने एलोवेरा भी काट के ला लिया है। तो देखिए यानी बजिस पूरे देख रहे हैं कि क्या लाया है करके। तो कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स, अगर आपने अगर एलोवेरा दे रहे होंगे अपने बजिस को तो अच्छा ही होता है फ्रेंड्स समर सीज़न के लिए। तो आप देते रहिए इसके यानी स्लाइसेस काट के पानी में, या फिर आप यानी ऐसे स्लाइसेस काट के अगर बाहर भी रख सकते हो तो बाहर भी रखिएगा। पर लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप यानी डाल देंगे और ये खाने चालू हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम लगता है कोई भी यानी आदत गिरने के लिए कोई भी चीज़ की, इनको खाने के लिए या खिलाने के लिए। और फ्रेंड्स, यानी ये अपने बजट के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ब्रीड जब बजिस यानी ब्रीड करते हैं तो उनके यानी बॉडी टेम्परेचर के लिए भी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स एलोवेरा। कि जब फीमेल मटकिया है फिर बॉक्स में जाती है ना, तो उनकी बॉडी यानी पूरे टेम्परेचर के कारण पूरे बॉडी में यानी हीट तैयार हो जाती है। तो इसके कारण एलोवेरा उनके यानी हेल्प करेगा अच्छे से। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम बजट से रिलेटेड हर न्यू वीडियोस डालते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।